हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्री कोर्स ऑफ IBPS AFO 2021-22। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जल्दी से जाइए उनको ज़रूर देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं हम। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ का PDF मिलेगा और बहुत सी और जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सीरियस पेस्ट ऑफ ग्राउंड नट इज, तो ग्राउंड नट का सीरियस पेस्ट पूछा गया है, कौन सा पेस्ट है। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास है रेड हेरी कैटरपिलर, वाइट ग्रब, एफिड एंड जेसिड। तो ग्राउंड नट का सीरियस पेस्ट है ऑप्शन बी, वाइट ग्रब। ओके, सबसे ज़्यादा डैमेज वाइट ग्रब करती है टू दी ग्राउंड नट क्रॉप। तो साइंटिफिक नेम की बात करें तो वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम है होलोट्राइकिया कॉन्सनगुनिया। होलोट्राइकिया कॉन्सनगुनिया, ओके। और रेड हेरी कैटरपिलर का एमसेक्टा मोराई। ओके, एमसेक्टा मोराई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दी फर्टाइल फीमेल हनी बी इज कॉल्ड, तो फर्टाइल फीमेल हनी बी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन हमारे पास है ड्रोन, वर्कर, क्वीन एंड किंग। तो ये चार जो है, चार डिफरेंट टाइप की होती हैं। ओके, तो फर्टाइल जो फीमेल हनी बी है वो होती है हमारी क्वीन। ओके, क्वीन। और फर्टाइल मेल जो होगा वो किंग होगा। ओके, तो फर्टाइल फीमेल क्वीन और फर्टाइल मेल को हम बोलेंगे किंग, और बाकी के जो हनी बीज हैं वो वर्कर्स आ जाती हैं, और ड्रोन आ जाते हैं हमारे जो मेल्स आ जाते हैं ये, ठीक है, और ये फर्टाइल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टिकी बैंड्स अराउंड ट्री ट्रंक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो कौन सा पेस्ट है जिससे प्लांट्स को, जो ट्रीज को बचाने के लिए स्टिकी बैंड हम लगाते हैं। ओके, स्टिकी बैंड्स किस जो है किस पेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास है एप्पल स्टेंजोसिस स्केल, मैंगो मिलीबग, मैंगो हॉपर एंड सिट्रस हिला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मैंगो मिली बग। ओके, मैंगो मिली बग के लिए स्टिकी बैंड्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक नेम देखते हैं एप्पल सैंडोसिस स्केल का, क्वाड्रास्पिडियोटस परनीसियोसिस। ओके, मैंगो मिली बग की बात करें, मैंगो मिली बग का है ड्रॉसिचे मैंजिफेरी। अगर मैंगो हॉपर की बात करें दैट इज एमरिटोडस एटकिंसनी। और सिट्रस सिला जो है इसका साइंटिफिक नेम है डायफोरिना सिट्री। तो बार बार रिवाइज करते रहिए इसको, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स को, तो धीरे धीरे याद होने लगेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेल्फॉस इज द कमर्शियल नेम ऑफ, तो सेल्फॉस जो है किसका कमर्शियल नेम है इनमें से, मोनोक्रोटोफॉस, ट्राइएजोफॉस, एंडोसल्फान और एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड को सेल्फॉस भी बोला जाता है, और कहाँ किस लिए यूज होता है ये, फ्यूमिगेशन के लिए। ओके, ग्रेन्स को स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट से बचाने के लिए या वहाँ पे फ्यूमिगेशन की जाती है एल्युमिनियम फॉस्फाइड से, और 1 टैबलेट जो है एल्युमिनियम फॉस्फाइड की यूज़ की जाती है फॉर ए मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन। ओके, एक मेट्रिक टन ग्रेन के लिए 1 टैबलेट यूज़ की जाती है अमोनियम एल्युमिनियम फॉस्फाइड और सेल्फॉस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट कॉमनली यूज इंसेक्ट इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, तो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में कौन सा इंसेक्ट इनमें से यूज किया जाता है, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, मे फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई। तो इसमें राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रूट फ्लाई। ओके, तो ड्रोसोफिला नाम होता है इसका साइंटिफिक नेम, ड्रोसोफिला। ओके, तो फ्रूट फ्लाई यूज किया जाता है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में, लेकिन फ्रूट फ्लाई ही क्यों क्यों यूज किया जाता है, तो इसके 2 कारण हैं। एक तो इसका जो नंबर ऑफ जनरेशन है, नंबर ऑफ जनरेशन पर ईयर
वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, हायर नंबर ऑफ जनरेशन पा रही है। सेकेंड वन इज, तो इसका लाइफ साइकिल जो है वो स्मॉल है। ओके, छोटा लाइफ साइकिल है, तो नंबर ऑफ जनरेशन अपने आप ही बढ़ जाएंगी जब लाइफ साइकिल छोटा है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करने में ये इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ। तो हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा साइंटिफिक नेम है इनमें से किसका? ऑप्शन हमारे पास ग्राम पॉड बोरर, अमेरिकन बॉलवर्म, टोमेटो फ्रूट बोरर। तो ये तीनों का नाम ही, तीनों के लिए ही साइंटिफिक नेम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग बी स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर एपीकल्चर। तो एपीकल्चर के लिए हम कौन सी बी स्पीसीज जो है यूज़ करते हैं, जो मोस्ट सुटेबल है उसके लिए। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास एपिस सिराना, मेलीफेरा, डॉर्सेटा एंड फ्लोरिया। तो जो एपिस मेलीफेरा जो है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इसको हम मोस्ट सुटेबली यूज़ करते हैं, तो इसको इटालियन हनी भी बोला जाता है। ओके, इटालियन हनी भी बोला जाता है। एपिस सिराना जो है हमारी इंडियन हाइव बी है। ओके, इंडियन हाइव बी, ठीक है। एपिस जो डॉर्सेटा है, ये हमारी रॉक बी बोला जाता है इसको, और फ्लोरिया को स्मॉल बी। ओके, और लिटिल बी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कॉमन नेम भी इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इन मस्टर्ड सॉ फ्लाई विच ऑर्गन इज सॉ लाइक। ओके, सॉ लाइक की कौन सा ऑर्गन होता है जिसकी वजह से इसको सॉ फ्लाई बोलते हैं? तो मस्टर्ड सॉ फ्लाई का साइंटिफिक नेम देखें अगर हम, तो साइंटिफिक नेम है इसका एथिलिया ल्यूगन्स प्रॉक्सिमा। ओके, एथिलिया ल्यूगन्स प्रॉक्सिमा, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड सॉ फ्लाई का। तो कौन सा ऑर्गन है जो सॉ लाइक होता है? ऑप्शन हमारे पास ओविपोजिटर, फीमर, मैंडिबल्स एंड विंग्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, दैट इज ओविपोजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, नोसीमा डिसीज ऑफ हनी बी इज कॉज बाय। तो नोसीमा डिसीज जो है हनी बी का, वो कौन करता है? तो इसमें देखिए, आप पढ़ेंगे बुक्स में तो शायद आपको वहाँ पे प्रोटोजोआ मिले, लेकिन अगर आप अभी रिसेंट स्टडीज़ को देखें तो उसमें रिक्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो नोसीमा डिसीज करती है फंगस। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो दो फंगस हैं, वो दो स्पीसीज, नोसीमा एपिस एंड नोसीमा सिराना। ओके, तो ये दो जो स्पीसीज है फंगस की, ये नोसीमा डिसीज करती हैं हनी बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, NCIPM इज लोकेटेड एट। तो NCIPM क्या है? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन हमारे पास न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, उदयपुर एंड बेंगलोर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, दैट इज दिल्ली, न्यू दिल्ली में है NCIPM। कब बना था? 1988 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंटीना इज एबसेंट इन। तो कौन सा जो ऑर्डर है, इंसेक्ट ऑर्डर है, जिसमें एंटीना एबसेंट होते हैं? ओके, सेंसरी ऑर्गन होते हैं एंटीना, हेड पे प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट के, और किस ऑर्डर में ये एबसेंट है? तो ऑप्शन हमारे पास थाइसानियुरा, ओडोनाटा, प्रोट्यूरा एंड क्लियोप्ट्रा। तो ओनली वन ऑर्डर है, दैट इज प्रोट्यूरा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जिसमें एंटीना एबसेंट होते हैं। ओके, थाइसानियुरा की बात करें, थाइसानियुरा में आती है सिल्वर फिश, ओडोनाटा ड्रैगन फ्लाइज। ओके, क्लियोप्ट्रा में हमारी बीटल्स आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोट्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्रास हॉपर हैज टोटल नंबर ऑफ स्पायरेकल्स। तो ग्रास हॉपर जो है हमारा, उसमें नंबर ऑफ स्पायरेकल्स कितने हुए हैं? ओके, कितने नंबर ऑफ स्पायरेकल्स होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास 8, 10, 9 और 11। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10। तो 10 स्पायरेकल्स होते हैं, और कैसे, किस टाइप से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं? इनमें से 2 + 8 जो है इसमें होता है, दो जो है हमारे थोरैकिक, थोरेक्स पे, और 8 जो है एब्डोमिनल, 8 एब्डोमिन, एब्डोमन पे, 2 थोरेक्स पे। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? इसको होलोन्यूस्टिक। ओके, होलोन्यूस्टिक टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।
तो ये भी याद रखिए होलोनिस्टिक है, तो 2+8 इसमें आएगा, 2 थोरैक्स पे और 8 एब्डोमेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 13, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर कौन था पहला? तो पहले जो है फॉरनर रहते थे, लेकिन फर्स्ट जो इंडियन था वो पूछा गया है। ऑप्शन टीवी प्रसाद, रोनाल्ड रॉस, एच एम लेफ्रॉय एंड एच एस प्रूथी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एच एस प्रूथी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वूली एफिड इज द सीरियस पेस्ट ऑफ। तो किसका किस क्रॉप का सीरियस पेस्ट है वूली एफिड? ऑप्शन राइस, शुगर केन, एप्पल एंड पियर। तो राइट आंसर इज एप्पल। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो वुली एप्पल एफिड का जो साइंटिफिक नेम है वो है एरिसोमा लेनिजैरम। ओके, एरिसोमा लेनिजैरम, ये इसका साइंटिफिक नेम है, एप्पल क्रॉप को अटैक करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 15, दी मेजर प्रोटीन फाउंड इन सिल्क। तो सिल्क में मिलने वाला मेजर प्रोटीन कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे पास है फिब्रियन, इलास्टिन, सेरिसिन एंड केराटिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फिब्रियन। तो फिब्रियन प्रोटीन मिलता है सिल्क में। सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? सिल्क वॉर्म, दैट इज बॉम्बैक्स मोराई। ओके, बॉम्बैक्स मोराई। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस के PDF और सारे नोट्स वगैरह वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।